इस घर में ऐसी भाभी उस घर की किस्मत जागे क्रीचर्स वो भाभी हिप पे फुर रहे क्रीचर्स वो भाभी हिप पे फुर रहे। थैंक यू भाभी, मैं बस अभी आ जाऊंगा। मैंने सारा सामान ला दिया है, अब मैं जाऊं क्रिकेट खेलने। और अगर मुझे कुछ याद आ गया तो? अम्मी लड़की वाले वासिफ भाई को देखने के लिए आ रहे हैं और दौड़े मेरी लग गई हैं। ये नुकसान है छोटे भाई होने का। बेबी आंटी, बड़ा कोई कामचोर है आपका सबसे छोटा वाला बेटा। अरे नहीं बेटा, ये तो सबसे अच्छा ताबेदार बच्चा है मेरा। अब जरा ताबेदारी का सिला दे दे, मुझे जाने दे। कोई भी काम होगा मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बेटा जब मेहमान आ जाएंगे उनको सलाम कर लेना और फिर चले जाना। अम्मी मेरे सलाम दुआ करने से क्या होगा, वो वासिफ भाई को देखने के लिए आ रहे हैं। जाने देना प्लीज, एक इतवार का दिन ही मिलता है। बिल्कुल ठीक है ना बेबी आंटी, घर पे मेहमान आ रहे हैं, सबको मिलना चाहिए ना मेहमानों से। है ना वलीद? तुम कोई मौका मत छोड़ना जल्दी पर तेल छिड़कने का। बेबी आंटी देखे ना कैसे उल्टे सीधे मुहावरे इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे लिए, हालांकि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। क्या हो गया, तुम ऐसे बात करते हैं कोई? अम्मी आपको नहीं पता, ये कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे तपाने का। अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा बेचारी ने। अच्छा जरा बेचारी की शक्ल तो देखे। अम्मी चाय चढ़ा दो, ये तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे ना फिर बनाना। अब्बू कहाँ गए? किसी जनाजे पर गए हैं जमाल और नसीन के साथ। अच्छा उनको जनाजे पे जाने दिए, मुझे क्रिकेट खेलने नहीं जाने दे रही आप? अरे गजब खुदा का, कहाँ जनाजा कहाँ क्रिकेट, पागल हो गए हो क्या तुम? अम्मी जाने देना इसे, वो मेहमान आएंगे तो फोन करके बुला लेंगे। अच्छा जाओ। जिस घर में ऐसी भाभी उस घर की किस्मत जागे क्रीचर्स वो भाभी हिप पे फुर रहे क्रीचर्स वो भाभी हिप पे फुर रहे। थैंक यू भाभी, मैं बस अभी आ जाऊंगा। पागल बच्चा है।